guys, my name is Sonali and welcome to my channel, The Happiness Company. इस एपिसोड में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाली हूँ. अच्छा, सच बताइए, क्या आप पहले से ज़्यादा खुश हैं? शायद. क्या आपको कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है? आर यू फीलिंग हैप्पी? वेल, मेरा ये मानना है कि इस वीडियो सीरीज़ के एंड में आपको एक डिफरेंस अपनी थिंकिंग में, अपनी खुशियों में ज़रूर महसूस होगा. तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ें. आपको पता है, मैंने ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस की. आपका लक शायद आपका साथ छोड़ दे, बट इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन, अगर आप मेहनती इंसान हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, तो सक्सेस और हैप्पीनेस आपके पास वापस ज़रूर आएगी. एंड आई थिंक आई हैव पर्सनली फेल्ट दिस. हैप्पीनेस के वीडियोस देखने से शायद थोड़ा बहुत चेंजेस आए, बट अगर आप उस वीडियो को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शायद उतना इफ़ेक्ट ना हो. ये कोई कोर्स नहीं है, बट आई फील कि अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में इम्पॉर्टेंट तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं, ये चेंजेस अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे, तो शायद आपकी खुशियों का रास्ता बहुत जल्दी खुल जाएगा. तो पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको बताया था कि हैप्पीनेस या फिर खुशियों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं. स्टेप नंबर वन, अच्छे रेजोल्यूशंस बनाइए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए. स्टेप नंबर टू, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कीजिए, ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको अपनी लाइफ से निकाल दीजिए. एंड स्टेप नंबर थ्री, अगर आप हारमोनियस रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो आप अपने आप के ऊपर काम कीजिए. मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में अपने लिए चेंजेस करें एंड दूसरों को चेंज करने की कोशिश ना करें. इन सारी चीज़ों से वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कई कबार हो जाता है, कई बार वो नहीं होगा. आज मैं आपको स्टेप नंबर फोर बताऊंगी, और ये शायद एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे हम बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं. आप गेस कर सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. क्या आपने कभी बच्चों को खेलते हुए देखा है? ऑफ़ कोर्स देखा होगा. एक इंस्टेंट स्माइल हमारे चेहरे पर आ जाती है, एक इंस्टेंट हैप्पीनेस से हमारा दिल भर जाता है, बिकॉज़ वो होते इतने प्यारे, इतने मासूम, उनकी बातें इतनी इनोसेंट होती हैं. इट मेक्स यू वॉन्ट टू लाफ आउट लाउड, राइट? एंड मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर आप बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपका पूरे दिन का स्ट्रेस निकल जाता है. और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने ये बात कई बार बोली भी है. ग्रेचिन ने अपनी बुक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली कि उसने अपने हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में दो रेजोल्यूशंस लिए थे. पहला, कि अपने एंगर या इमोशनल आउटबर्स्ट को वो बच्चों की तरफ नहीं निकालेगी, और दूसरा कि वो अपने बच्चों को मारेगी नहीं, डांटेगी नहीं, क्रिटिसाइज नहीं करेगी. एंड लेट मी टेल यू दिस, व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट अबाउट 10 और 11 इयर्स ओल्ड, माय पेरेंट्स टुक अ सिमिलर रेजोल्यूशंस. सो दे वर अ पार्ट ऑफ दिस meditational organization, they were into spiritual well-being, where they made sure that every single parent or a couple took a resolution that they will never hit their children. And trust me, not that my parents used to beat me up, but I have never seen my parents hit my younger brothers also after that. That was a remarkable thing that they did. Even if we made mistakes, उन्होंने कभी हमें मारा नहीं. हमने गलतियां ज़रूर की होंगी, पर उन्होंने कभी हमें मारा नहीं. पनिश करने के और भी तरीके होते हैं बच्चों को, बट अगर आप बच्चों को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे और उनके साथ खुशी से खेलेंगे, उनको थोड़ी लिबर्टी देंगे, और इफ़ यू हैव फन विद देम, इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू बी मोर हैप्पी फ्रॉम विद इन. मुझे पर्सनली बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है, उनके साथ बातें करना या उनके साथ कुछ वक्त बिताना. आई थिंक इट पर्सनली इम्प्रूव्स माई एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्मॉल लिटल जॉयज ऑफ लाइफ. जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, वो आपको बच्चों के साथ खेलने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में ही समझ में आएगी.
इनफैक्ट ग्रेचिन ने अपनी बुक पे और अपने हैप्पीनेस प्रोजेक्ट में इस बात पे काफ़ी एम्फेसाइज भी किया है कि उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखा. पहला कि वो बच्चों को गुस्सा नहीं करेंगे एंड दूसरा कि वो अपना एंगर बच्चों की तरफ नहीं निकालेंगे, उन्हें मारेंगे नहीं. एंड मुझे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी लगती है क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा टॉलरेंस दिखाना पड़ेगा, काइंड होना पड़ेगा, उनके साथ कुछ वक्त बिताना पड़ेगा. बिकॉज अदरवाइज़ वो तो बच्चे हैं, उन्हें वाकई में कुछ पता नहीं है दुनिया का. एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ मेरे साथ. बहुत जब मैं घर से यू नो ऑफिस या ऑफिस से घर जब वापस जाती हूँ तो देर इज़ अ पार्क इन बिटवीन एंड मैं कभी कभी वहाँ पे रुक जाती हूँ तो टू जस्ट हैव फन एंड सी द किड्स प्लेइंग. तो एक बार मैं अपने ऑफिस से घर जा रही थी और यू नो रास्ते में एक पार्क पड़ता है जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ यू नो टू स्पेंड सम टाइम विद द किड्स. तो और टू जस्ट वॉच देम प्ले, उनको खेलते हुए देखने में मुझे बहुत मज़ा आती है. तो वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके बच्चे भी कभी कभी वहाँ पे खेलते रहते हैं. तो मैं गई और मैं स्विंग पे बैठ गई, खाली था, एंड ये बच्चा आया और इसने मुझे कहा मैं आपको पुश करूँ. मैंने बोला कि नहीं नहीं रहने दो, तुम छोटे से हो, कैसे मुझे पुश करोगे, इट्स ओके. ही इज़ लाइक नहीं नहीं दीदी अक्का आई कैन पुश यू. एंड आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है चलो कर लो, पुश कर दो कोई बात नहीं. सो ही स्टार्टेड पुशिंग मी एंड सो मैंने अपनी एक फ्रेंड को बुलाया था वहाँ पे यू नो टू कम एंड चिल विद मी. तो वो आई जब और वो दूसरे वाले स्विंग पे बैठी तो एक और बच्चा था, उसने बोला कि मैं अक्का को पुश करूँगा. तो माय फ्रेंड वाज लाइक कि नहीं नहीं मुझे मत पुश करो, इट्स ओके. ही इज़ लाइक नहीं नहीं मैं तो पुश करूँगा एंड ही स्टार्टेड पुशिंग हर. तो व्हेन शी जब वो बहुत ऊपर जाने लगी तो शी स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट एंड आई वॉज हैविंग फन वॉचिंग देम टॉक. एंड सो शी लिटरली वॉज टेलिंग कि भैया मत पुश करो बेटा रहने दो. एंड वो बच्चा मान ही नहीं रहा था. इमेजिन उसने उस बच्चे को रोकने के लिए, मेरे फ्रेंड ने उस बच्चे को रोकने के लिए क्या बोला, भाई तू रहन दे मैं तुझे चॉकलेट खिलाऊंगी, मुझे पुश मत कर. एंड इट इज़ सच अ फनी इंसिडेंट, मुझे आई थिंक ये लाइफ टाइम याद रहने वाला है. एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ बच्चों में एक इनोसेंस और एक एनर्जी होती है व्हेन जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके ऊपर आ जाती है. ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंसेस के थ्रू ही हमारी लाइफ और हैप्पी बनती है. एंड मैं स्ट्रॉन्गली आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में पार्ट लें, उनकी बर्थडे पार्टीज़ प्लान करें. डोंट मेक इट डल एंड बोरिंग, बिकॉज जब उनको फन आता है तो आपका भी स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो जाता है. इफ़ दे आर हैप्पी यू आर डेफिनेटली बाउंड टू बी मोर हैप्पियर. एंड विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस एपिसोड. I hope you are able to, you know, take key takeaways from the video. और ये आपको एक video इस तरीके से आपको help कर सके ज़्यादा खुशी you know खुश रहने में. मैं next episode में आपको कुछ और interesting बातें बताऊँगी, how to be more happy, अपनी life में और खुश कैसे रहें. तब तक के लिए this is Sonali and ये है आपका अपना channel The Happiness Company.